ओम मां गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाद एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर मित्रों हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा करते करते धनुराशि पे आ गया हूँ और चर्चा क्या कर रहा हूँ कि आज 30 मई शाम को 7:29 बजे कैंसर राशि में वीनस का ट्रांजिशन हो रहा है और 7 जुलाई तक रहेगा। 7 जुलाई तक वह वीनस रहेंगे कर्क राशि में, उसके बाद 7 जुलाई को चले जाएंगे सिंह राशि में, जहाँ मंगल 1 जुलाई को पहुंच जाएंगे। अभी भी मंगल कर्क राशि में बैठे हुए, तो मंगल के पास शुक्र जा रहे हैं आज शाम को। इस ट्रांजिशन का हर राशि पर कैसा फल बैठेगा, कौन अच्छा कौन बड़ा कौन बहुत अच्छा, ये चर्चा करते करते हम धनु राशि पे आ गए हैं। 9 राशि है धनु, और देखिए कहाँ है शुक्र, कहाँ बैठे हुए हैं शुक्र, बैठे हुए हैं 4थी राशि यानी अष्टम भाव में, यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं मंगल के साथ, और शुक्र भी यहाँ से दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर धन भाव में, और शुक्र की दूसरी राशि जो है सातवीं की तुला राशि यहाँ बैठी है 11वें भाव में, और दूसरी राशि यहाँ बैठी है 6वें भाव, ये दोनों राशि है। तो भाई धनु राशि के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, अष्टम भाव में अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पर मैं शुक्र को अच्छा नहीं मानता हूँ। यहाँ से दृष्टि जरूर पड़ रही है धनु भाव में, तो धन कुछ ना कुछ तो धन दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन शुक्र बैठे खराब भाव में तो मंगल के साथ तो बुरा, देखिए एक्सीडेंट से बच के रहिए, चोट चपेट से बच के रहिए, और एक राशि 6वें में तो यहाँ पर बीमारी से बच कर रही है, शत्रुओं से बच कर रही है, रोग रण से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोर्ट के लिए केस चल रहा है, सफलता नहीं मिलेगी मित्रों। तो शुक्र की राशि यहाँ होने से शुक्र की एक राशि जरूर अच्छे भाव में है, लाभ भाव में तुला राशि, शुक्र खुद अच्छे नहीं बैठे, शुक्र की दूसरी राशि अच्छी नहीं है, शुक्र की दृष्टि धन भाव में पड़ रही है लेकिन ना अच्छे भाव से नहीं पड़ रही, अष्टम से पड़ रही है, तो धन थोड़ा बहुत आ सकता है, कहीं से गुप्त धन मिल सकता है, कहीं यहाँ बैठ के वो देख रहे हैं गुप्त धन मिल सकता है, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, और सप्तम में राशि होने के नाते ये हो सकता है कि थोड़ा सा लाभ बड़े भाई बहनों से लाभ मिल जाए, कुछ व्यापार से लाभ मिल जाए, क्यों बुद्ध की राशि है, यहाँ भी बुद्ध की राशि है, यहाँ बुद्ध की राशि है, तो व्यापार में सहयोग करेंगे पार्टनर साहब के, थोड़ा लाभ मिल सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं कहूँगा मैं इस ट्रांजिशन को। तो धनु राशि के लिए शुक्र का अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है, तो मैं इसको कहूँगा नॉट गुड, यानी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है धनु राशि के लिए शुक्र का आज शाम को वो नॉट गुड, ज़्यादा लाभदायक नहीं है मित्रों। तो मित्रों मैं यहाँ विराम देता हूँ, अब चर्चा करूँगा अगली मकर राशि की। नमस्कार।